भाई मेरे को बोला नहीं जाता एक तो इन चीजों में भाई, सच में बोला नहीं जाता। देखो खैर कोई बात नहीं, श्रेय इसको मिल रहा है, बट जो भी किया धरा है वो सब जानते हैं कि किसका करा धरा है। जो मेहनत लगी है वीडियोस में, जो वीडियोस में जो रंग आता है उभर उभर के, वो मुझे मालूम है। तारीफें लूटने से क्या होता है, ठीक है 99% तारीफ हमारे चंदेल भाई साहब को मिल गई और शर्मा जी को थोड़ी कम मिली, 1% मिली है, बट ठीक है मैं उसमें भी खुश हूँ। सफाई देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सफाई देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हम जानते हैं, हम नाचते हैं कूदते हैं गाते हैं फिरते हैं पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं सब काम करते हैं, ऑलराउंडर हैं, बहुमुखी हैं, पर क्रेडिट किसी और को मिल रहा है तो ये सहन नहीं करूंगा मैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। भाई सबसे पहले आप सभी को कैसे बोलूँ धन्यवाद यार, आज मेरे है ना 800 सब्सक्राइब। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सब्सक्राइबर पूरे हो गए भाई, बोलना नहीं आया अभी तक भी नहीं आया, शुरू से ट्राई कर रहा हूँ देख लो अभी तक भी बोलने नहीं आया, क्योंकि यार थोड़ी मदर टंग मेरी ऐसी है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मेरे को नहीं बोले जाते भाई साहब बताऊँ, तो आप चाहो तो मजाक उड़ा लो या फिर माफ़ कर दो, ठीक है। तो थैंक यू यार आप सभी को कि यहाँ तक तो मेरे को लाए आप, मैं उम्मीद करता हूँ भाई थोड़ा और ऊपर लेके जाओगे इस जो ये संख्या है 800 वाली, इसको कम से कम 1000 करो, 2000 करो, 10,000 करो, 10,000 तक भी हो जाएंगे तो भाई मेरे को यह समझ लो कि सब कुछ मिल जाएगा, तो सपोर्ट दिखाओ ठीक है। और इसके लिए भी दिल से भाई धन्यवाद आप सभी को कि आपने सपोर्ट किया, 800 कंप्लीट हुए, आगे मैं मेरी मेहनत कर ही रहा हूँ, बाकी आपको इंटरटेन कर ही रहा हूँ भाई। अबे साले कोई ना, माफ़ करना ठीक है। तो यही बोल रहा था, खास थैंक यू बोलने के लिए है ना, मैं हॉस्पिटल ना जाके सीधा एक खाली क्लास पड़ी हुई है, क्योंकि बाकी समय तो क्लासेस चल रही थी, तो मैं इसमें आया कि मैं मेरे को थैंक यू बोलना था, तो सीधा पहले थैंक यू बोलेंगे उसके बाद ही सारा काम करेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, आपके प्यार को जो शेयर करते हैं, जो कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे आपके, और जो दिल से सपोर्ट करते हैं उनको बहुत सारे दिल से थैंक यू, ठीक है। तो यही बोलना था, और इसी के साथ भाई अब चलते हैं अपनी आज की मजदूरी शुरू करने, मतलब इंटर्नशिप चल ही रही है जैसा कि आपको पता ही है, देख ही रहे हो आप ठीक है। तो चलते हैं आईपीडीएम ड्यूटी करने, आईपीडीएम लग रही है, कुछ दिन की और बात है फिर तो चेंज होने वाली है, देखते हैं या तो पंचकर्मा में जाएंगे या ओटी में जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि पंचकर्मा में जाए क्योंकि सर्दी आ गई, तो उसमें क्या थोड़ी हीट रहती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, और पंचकर्मा में सीखने लायक बहुत कुछ चीज़ें, थेरेपियाँ हैं वगैरह बहुत है, तो आई होप पंचकर्मा में जाए, बाकी देखते हैं। तो अभी तो अपन बैग उठाते हैं है ना, और चलते हैं कहाँ पे, आईपीडी में आज की ड्यूटी करने, और देखते हैं आज की ड्यूटी कैसी जाती है, कैसा दिन जाता है, क्या कुछ नया होता है या वही घिसा पिटा पुराना जो भी हो डेली रूटीन चलता है, ठीक है। तो चलते हैं भाई। हाँ तो भाई काम पकड़ा दिया, बीपी लेते हैं वार्ड में जाके सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं। चलो आज 31 डस्टबिन में डाल दो भैया, इसको डस्टबिन होता है ना, इसमें डाल दो सामने। किसी टाइम पे भाई ऐसे हमारी क्लासें भी लगती थी वार्ड के अंदर, जो पेशेंट है उनसे डिस्कस करते थे हम भी, उनकी बीमारी के बारे में जानते थे, दवाइयों के बारे में जानते थे। उस तो आपको एक बंदे से मिलाता हूँ जिसको देख के आप भी खुश होंगे बहुत, तो पेश है उज्ज्वल शर्मा, काफ़ी दिनों बाद मेरे साथ आईपीडी में ड्यूटी करने आया है। शांत हो जा, तो बकवास मत कर,
ठीक है, जो मेरे साथ आईपीडी में ड्यूटी करने आया है। ले चल, अरे बीपी लेना सिखाता हूँ तेरे को, आ जा मेरे साथ ले, आ जा। तेरे को देख के मेरा क्या गुस्सा शांत हो जाता है, अब तू है इतना प्यारा। ठीक है तो भाई लोगों, बीपी लेके तो मैं फ्री हो गया। भाई आए बहुत दिनों बाद मेरे से मिलने, मेरे से तो मिलने नहीं, खुद के काम से आए, लेकिन क्या करूँ, बोलना पड़ेगा कि मेरे से मिलने आए। ठीक है तो बहुत दिनों बाद तेरे जो सब्सक्राइबर है, तेरे फैंस है, मेरे कई फैंस है, तुम्हारा फायदा हो रहा है, फायदा तो तुम्हारा हो रहा है, हम तो बस वो डांस करवा लो हमसे, और तो क्या है। कमेंट में तेरे लिए आते हैं, तू जिस वीडियो में दिख गया उसमें पहले कमेंट आएंगे, उज्जवल भाई ओपी, उज्जवल नोरा फतेही ओपी। ओपी क्या होता है, ऊप होता है, ऊप ओपी भाई साहब है। मेरे साथ ना मेरे चैनल पे ये फेमस है, जिस वीडियो में दिख गया ना उसमें भाई भर भर के कमेंट आते हैं, उज्जवल भाई, उज्जवल भाई, उज्जवल भाई, ऐसे आपके भी आते हैं, प्रमोद भैया। हाँ तो भाई आते हैं, मेरे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन तेरे ज़्यादा आते हैं। और हाँ इसी के साथ भाई, इसको इसको बता दूँ, इसको बता दूँ, मेरा 800 सब्सक्राइबर आज कम्प्लीट हो गया। तो ठीक है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, मैं दूसरों की उन्नति से खुश नहीं होता। जलन इसको बोलते हैं, जलन की भावना। दोस्तों तो भाई ऐसे जो भी हो मुंह पे बोल दो, खत्म करो सी चीज, सही है ना। मेरा दिमाग अभी खराब चल रहा है, एक बार तू लिख कर दिखा, तो दोस्तों लगता कैसे, लगा के दिखा, मेरा जचता नहीं है, लगा के तो देख, दिखा खड़ा हो, देखा चश्मा लगा तेरा, ये क्या कर रहे हो। ये इसके हम भाई सच बता रहा हूँ, मेरी इंटर्न में अगर ये होता, जतिन होता, मेरी क्लास वाले भी होते हैं जो मेरे ग्रुप के हैं, भाई मेरे को बहुत मजा आता है इंटर्न के अंदर। लेकिन जैसे कि देख रहे हो कितनी बोरिंग लाइफ कट रही है मेरे इंटर्न के अंदर, अब सोचो ये ओ माय गॉड, ये मरने वाला है। ऐसे मस्ती करते हैं इंटर्न में, आपको मजा आता है, अब सोचो। हाँ बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली क्या क्या हो जाता है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तुम होशियार बच्चे हो, ज्यादा लोग जलते हो तुमको देख के। अब क्या करें भाई, जलने वाले जलते रहेंगे, हम भी क्या मतलब। ऐसे तेरे को कैसे पता चल रहा है, क्या पता कैसे सब जल रहे हैं, सब जलते हैं, मुझे मालूम है सब जलते हैं। अरे हाँ यार, प्रमोद ने हेयर स्टाइल चेंज कर ली, अब अच्छा लग रहा है, अब बीच में कोई सिंदूर नहीं भर पाएगा इसकी। अरे यार मेरे दो दिन के लिए ना हेयर स्टाइल चेंज करते हो, तेरे नेम वाली भाई, भर भर के गालियाँ पड़ी थी घर वालों से भी, और इनसे इनसे तो भाई बेइज्जती हुई थी, फिर मैंने कहा चेंज ही कर लेते हैं, अपन सिंपल नॉर्मल हो जाते हैं। अब बता कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, उधर देख के बात करो। तो क्या कर रहा है तू, बहुत दिनों बाद मेरा, मेरे को तेरे पे प्यार है, तेरे को जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ए, चल हट। अरे यार चलो ठीक है गाइस, मैं इससे बातें बातें करता हूँ, कुछ खा पी के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, बकवास कर रहा हूँ। नहीं fantastic, इसको विदा करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई लोगों, उज्जवल को क्या डिपार्टमेंट में कुछ काम था तो इसलिए आया है, वैसे कॉलेज ये, तो इसको डिपार्टमेंट में लेके जाऊँ, ये शायद इसने अभी बताया नहीं था, अब बता रहा है दोबारा। नहीं बता दिया था बताने में, तो क्लियर तो कर दूँ ना। करेंगे, बड़े क्लियर करेंगे, क्लियर। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, संरचना विभाग है, मतलब एना डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ से लेके कोने तक। और हमारे उज्जवल को क्या है, यहाँ पे काम था सर के पास, डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, ये हमें पढ़ाते थे, एना पढ़ाते थे, ठीक है, तो इनके पास कुछ काम था, उसकी वजह से आया है। भाई डिपार्टमेंट देख लो भाई, कितने साफ़ सुथरे, कितने औसम है यहाँ पे, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है भाई। और ये लैब है, मतलब लैब क्या बोल सकते हैं उसको, हमारे प्रैक्टिकल इसी में होता है, जिसमें चीज़ें मतलब ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वगैरह सारे इसी के अंदर हैं। संग्रहालय, सॉरी लैब क्या, संग्रहालय ये बोल सकते हो, ठीक है। इसमें जितने भी जो अपने शरीर के भाग मतलब पार्ट्स वगैरह, ह्यूमन ऑर्गन्स सारे इसी के अंदर है, जो भी जूनियर्स आए हैं वो सारे भाई देख लेंगे, बताएंगे जब। वैसे वीडियो में भी देख ही लिए पहले कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, तो अभी फटाफट ये आ जाए और फिर चलते हैं। पता है भैया हमारे साथ क्या हुआ, बताओ जो। अरे नहीं यार, बता बता। I don't have words to express this thing. भाई मतलब ऐसा लगा कि हाँ, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हाँ हम फेमस है, थोड़ा बहुत मतलब चिन्ना सा चिन्ना सा, वो क्यों लगा वो ये बताएगा।
अरे नहीं यार छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं। अब बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें क्या होती रहती है। अरे ऐसी बात नहीं, सब्सक्राइबर मिले थे भाई, देख कितना खूबसूरत हाथ मिला है। और उन्होंने ये बोला कि अरे भी हमने आप लोगों को देखा है, वो जो वो मेरे को भी बोला कि इनको भी देखा है, देखा है। खुशी हुई थोड़ी सी, मतलब भी खुशी हुई कि चलो भाई ठीक है यार, मतलब कहाँ के बंदे को देख रहे हैं और देख के हाथ मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो समझ लो भाई मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेहनत सफल हुई कि हाँ भाई चलो ठीक है। ये 800 सब्सक्राइबर तक की जो जर्नी थी भाई मेरे लिए बहुत अच्छी थी, और आज ही के दिन तो मेरे 800 सब्सक्राइबर पूरे हुए, आज ही के दिन मेरे को ये काफ़ी दिनों बाद मिला, और आज ही के दिन ही भाई क्या हो गया कुछ नहीं। बोल ले तो भाई अच्छा था भाई, बहुत अच्छा दिन था, मज़ा आ गया सच्ची, उन सब मिलकर मज़ा आ गया। मतलब है 23 बेच के ही हैं बंदे हैं, मतलब लड़कियां भी थी कुछ और कुछ लड़के भी थे, न्यू एडमिशन थे भाई, नए सत्र के विद्यार्थी। ठीक है, तो मजा आया भाई उनसे मिलके बात करी। अरे भैया आप तो हमने आपको देखा, हमने आपको फोन में देखा, अरे आप तो सेलिब्रिटी की तरह चमक गए। अरे ये हो गया क्या बोला भाई, आप तो सेलिब्रिटी हुए। अरे भाई अरे काय की सेलिब्रिटी भाई, मेरे को बोला नहीं जाता एक तो इन चीजों में भाई, सच में बोला नहीं जाता। देखो खैर कोई बात नहीं, श्रेय इसको मिल रहा है, बट जो भी किया धरा है वो सब जानते हैं कि किसका करा धरा है, जो मेहनत लगी है वीडियोस में, जो वीडियोस में जो रंग आता है उभर उभर के, वो मुझे मालूम है। तारीफें लूटने से क्या होता है, ठीक है 99% तारीफ हमारे चंदेल भाई साहब को मिल गई और शर्मा जी को थोड़ी कम मिली, 1% मिली है, बट ठीक है मैं उसमें भी खुश हूँ। सफाई देने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हम जानते हैं, हम नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, फिरते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सब काम करते हैं, ऑलराउंडर हैं, बहुमुखी हैं, पर क्रेडिट किसी और को मिल रहा है तो ये सहन नहीं करूंगा मैं। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, चैनल मेरा था इसलिए मेरे को ज़्यादा जाने, लेकिन मैं देखो दिल से बोल रहा हूँ भाई, सच बताऊँ ना, बट आई एम असिस्टेंट ऑफ प्रमोद, नहीं असिस्टेंट नहीं, ये मेरा दोस्त है। मैं ये बोल सकता हूँ अभी तक की जो जर्नी है ना, इसमें 60% इसने भागीदारी, 100 में से 40% मेरे को दे रहा हूँ ना, 50 भी नहीं दे रहा मुझे, 100 चाहिए। मैंने बहुत खून पसीना बहाया है, मतलब 60% मेहनत इसकी है, 40% मेरी नज़र में तो ठीक है ये, फिर भी ये क्या ज़्यादा इंटरटेन करता, मेरे से ज़्यादा ये इंटरटेन करता है, ये चीज़ मैं भी जानता हूँ। ठीक है, मैं इसके साथ पूरे दिन भी रहूँगा ना भाई, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, और एक से एक चीज़ मिलेगी, मतलब इससे सीखने को मिलता है, मज़ा भी आता है इसके साथ, इसकी हरकतें देखने में मज़ा आता है, मतलब ये समझ लो कि मेरे को दुख इस बात का कि बाकी जतने एक बार में फेल हो जाता, लेकिन ये मेरे साथ होना चाहिए था, बुरा मत मानना जतन, लेकिन सॉरी जतन और सच्चाई मुंह से निकल गई है, और अब वी कांट डू एनीथिंग वो मेरे को मारेगा यार। अरे कुछ उससे एक बार मुंह से निकलता है और निकल गया, नहीं भाई चलो ये तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन जितना मेरे लिए वो है ना भाई खास, बट आज का मोमेंट काफी अच्छा था, हम चाहते तो उसे रिकॉर्ड कर सकते थे पर हो नहीं सकता था भाई, मेरी उन चीजों में एक बार पहले भी मेरे साथ यही हुआ था, एक बार कहीं मैं था तो वहां पे मेरे को मिले थे, दो लड़कियां मिली थी मेरे को भाई, उस टाइम मेरे जो पहले की जो ग्रुप वाले थे शेफ वाले अंकिता, उनसे पूछना भाई अगर वो आएंगे इंटर्न करने, भाई मेरी आवाज़ नहीं निकलती उस टाइम, और आज भी यही हुआ, वो बोले जा रहे थे बंदे, लेकिन भाई मेरी आवाज़ नहीं निकली, मैंने थैंक यू बोला, थोड़े जल्दी में थे वो भी थे, मैं भी था, मैंने कहा चलता हूँ अभी डिपार्टमेंट में जाना है, इसका कुछ काम करवाने, तो फिर हम इसलिए आ गए, लेकिन भाई लव यू आप सबको तू भी बोल दे कुछ, लव यू है इसलिए। ठीक है, तो इसका काम फ्री हो गया, अब मैं जाता हूँ, मेरे सर पे से थोड़ा बर्डन भी हट गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेरी मजदूरी करने, जीची करने, सॉरी ड्यूटी करने, इंडियन एक्सेंट में बोलें तो ड्यूटी करने, नहीं फॉर्मल ड्यूटी करना है, हम मजदूरी करते हैं भाई। उधर देखो ये ज़ुल्फ गुलाबी, तो क्या गर्लफ्रेंड है क्या मेरी, शट अप, मैं बनाऊंगा भी नहीं तेरे को, तो मैं कोई बनाना भी नहीं चाहता, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बना लिया तो मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी वो तो हुस्न की परे भाई, अब हुस्न की काफी अलग, देखो हुस्न के परे को भी है ना, हुस्न की परी मिलती है।
लेकिन भाई सच्ची बताओ, अगर इसकी गर्लफ्रेंड इसकी, अरे क्या बोल रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं है सब, इसकी वाइफ अगर इसकी जैसी मिल गई ना भाई, इतने मजे करेंगे, मतलब लड़ाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इन दोनों में लड़ाई में। इसका मतलब तुम बिल्कुल अपोजिट हो, तुम्हारी होगी, तुम्हारी नहीं बनेगी बिल्कुल भाई, भड़क जाएंगे, तुम्हारी नहीं बन सकती, नहीं बनेगी, बने ऐसे ही होते हो तुम, बनेगी तो ठीक है, नहीं तो घर वाले तो बैठे ही। एक तो हॉस्पिटल में होने का फायदा मेरे को होया ना हो, लेकिन जो रिश्तेदार यार दोस्त आस पड़ोस उनको ज्यादा है। कॉल करते हैं भाई, मैं आ रहा हूँ, मेरे को दिखा देना, क्योंकि लाइन लगती है ना इसके चक्करों में भाई, ताकि मैं दिखा दूँ तो उनको टाइम वेस्ट ना हो उनका, तो बार बार बुला लेते हैं। तो एक ऐसे को फ्रेंड आया था, उसको दिखाने गया था OPD के अंदर, पर अब अपन चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। आज ड्यूटी ख़त्म, अब चलते हैं भाई खाना वाना खाने, मुझे भूख लग रही ख़तरनाक वाली, 1:30 बज चुके हैं। ये एक फाइल है डिस्चार्ज की, ये कंप्लीट कर दी, इसको जमा करवाने जाते हैं और वहीं से सीधा खाने के लिए निकल लेते हैं, यहाँ पे जमा होती है। पाव भाजी लेके आना, तो यार तेरे पाव भाजी खानी है मेरे को भाई। हम लोगों ने क्या खाने की जगह चेंज कर दी, पहले हम कॉलेज की तरफ जाते थे, अब कॉटेज वार्ड की तरफ आ गए, तो खाते हैं और वापस चलते हैं ड्यूटी पर। पानी तो भर के नहीं लाई वहाँ पे, ठंडा था, यहाँ से भर लेंगे। और आज ये भाई प्रियंका की फेवरेट सब्जी करेला। लंच मेरी ख़त्म भी हो गई और मेरे को दवाइयाँ भी लेनी थी कुछ, लेकिन ऊपर से क्या कॉल आ गया कि आओ थोड़े कुछ काम है वो करके जाओ, फिर लेना दवाइयाँ। तो एक काम करता हूँ, अभी तो जो वार्ड में जो दवाई आई उनको दवाई दे दूँ आके, उनकी BP ले लूँ आके, फटाफट फ्री होके फिर जाता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं। ये भाई मेरे सीनियर है ना, मेरा ही क्या वेट करते हैं, बस जैसे ही वो आए इसको लगा देते हैं काम पे। अभी हम इतनी सारी फाइलें इनको बेड पे लेके जाऊँगा, इनको राउंड चेक करूँगा इनका और BP लूँगा। तो फाइनली भाई 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई मेरी, और कुछ दवाइयाँ लेनी थी वही ले रहा हूँ। यहाँ पे ना ये कि जो भी पेशेंट होता है उनको दवाई मिलती है, जो भी OPD में दिखाते हैं ना, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन की दवाई मिलती है जिनको, तो हाँ लिख दो बस इस पर। ये दवाइयाँ हैं कुछ, कोई पड़ोसी मंगाया है, कुछ मेरे घर पे काम आएगी और कुछ मेरे दोस्त ने मंगाया है। देख लो भाई, NIA में दवाइयाँ ऐसे दी जाती है और इस तरीके से ड्यूटी लगती है। हाँ मेरी भी लगेगी इसमें, ऐसी बात नहीं, पंचकर्मा के पास शायद इसी में लगेगी मेरी। तो दवाई लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आज वैसे मैं फ्री हो गया है 1 घंटे पहले, 4 ही बजे हुए थे। ये कुछ दवाइयाँ है भाई, गोजीवादी सिरप, नीलभ्रंग आदि, माँ नारायण, MBC, ये सारी कुछ, और चमनप्रास, और ये सारे हमारे कॉलेज में बनते हैं, ये काढ़े हो गए और दवाइयाँ हो गई, ठीक है? ऐसी कुछ दवाई होती है भाई आयुर्वेद की। भाई थक गया खतरनाक वाला, जैसे तैसे करके घर आ गया, वो जो दवाई लेके आया था सोच रहा हूँ मेरे को जरूरत ना पड़ जाए उसकी, क्योंकि थकान से लग रही है पूरी बॉडी के अंदर। कोई ना, सारी बातें मेरे को आज ही नहीं करनी, कल के लिए भी कुछ छोड़ना है। वैसे बात बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अच्छा दिन था, बहुत प्यारा दिन था, जो उनसे मिले और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिले मज़ा आया उनसे मिलकर, रोटी भी अच्छे तरीके से, सब अच्छा हुआ, ठीक है? तो अगर आपको भी कुछ पसंद आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले ब्लॉग के अंदर।